कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक जो पॉलीथिन जो सीलिंग पैक करने की जो मशीन होती है उसके बारे में वीडियो लेकर आए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये पॉलीथिन जो पैक सीलिंग पैक की जाती है उसकी, तो उसकी ये मशीन है। ये मेरे पास है, इसके सारे तार टूटे हुए थे तो ये खराब थी। इसकी मशीन इसे सही करने के लिए मेरे पास आई थी। तो इसके बारे में आपके सारे कनेक्शन बताऊंगा, इसके सारे वायर किसके कनेक्शन किस प्रकार से लगाए जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके पास जो मशीनें है और उसके तार टूट जाते तो आप पता नहीं लगा पाते हो खुद से ही कि इसके तार टूट गए या पर ये खराब है। ठीक है, तो आप खुद से ही इसे पता लगा सकते हो, और अगर तार टूटे हैं तो आप इसे सही कर सकते हो खुद ही घर से। ठीक है, तो इसके मैं सारे आपको तार बताऊंगा कि इसके तार किस प्रकार से आपको लगाने हैं, सारे तार कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मशीन, वैसे मैंने इसके सारे तार लगा लिए हैं। मैं आपको वजह का बता दूंगा किस प्रकार से इसकी तार लगानी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो इसके मेन तार आई हुए हैं यहाँ से, ये एसी के इनपुट हैं। यहाँ से देखिए ये वाले, और इसमें दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये देखिए स्टेप डाउन, ये दोनों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ये देखिए ये एक छोटा लगा हुआ है, शायद ये 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, और ये आपका शायद 5 से या 10 एम्पियर का होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इनके जो तार हैं इसमें 3 तार निकले हुए हैं। ये देखिए ये आपका न्यूट्रल है इसमें ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये दोनों फेस के हैं, ये दोनों कारे और लाल तार। ठीक है, तो यहाँ से जो उसका एक कनेक्शन है एक यहाँ पर गया है, एक ट्रांसफार्मर पर एसी इनपुट के लिए। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर गया है। ठीक है, और इससे वहाँ से लेकर फिर एक और इस ट्रांसफार्मर पर गया है। ठीक है, अब हमारा आया दूसरा तार, तो दूसरा तार यहाँ से हमारा पहले इस स्विच पर गया। ये देखिए स्विच है हमारा, ये आप देख सकते हैं, इस स्विच से बंद होता है क्योंकि ये स्विच यहाँ पर लगाया जाता है, ये स्विच यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे जब ये इसे हम फोल्ड करते हैं तो ये यहाँ पर टच होता है इससे ये। ठीक है, फिर ये ऑन हो जाता है हमारा। यहाँ से फिर इसके तार हैं, ये बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए फिर यहाँ से इसके तार हैं, एक तार आपका यहाँ पर गया इस ट्रांसफार्मर पर। इस पर डट क्यों गया, क्योंकि जब ये चालू होता है सबसे पहले इसमें करंट जाता है, इसमें करंट जाता है, फिर ये यहाँ से आउटपुट निकालता है। ये देखिए यहाँ से जब ये यहाँ से आउटपुट निकालता है तो इसके तार हमें, ये देखिए कंट्रोलर है इसका, तो इस कंट्रोलर में इसके तार लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए ये लेगी यहाँ पर जो आपका ये डायोड लगा हुआ है ये वाला, ये डायोड एक यहाँ पर लगाया हुआ है इसका तार, क्योंकि इससे ये नेगेटिव आउटपुट निकले। ठीक है, और ये आपका प्लस के लिए जो कि यहाँ से आपका यहाँ पर लगा है, और ये आपका इस वॉल्यूम पर लगा है। ये देखिए 10K का वॉल्यूम है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लगा है। और इसका जो एक तार है वो आपका, चलो उसे छोड़ो, पहले मैं आपको उसकी सप्लाई दिखाता हूँ। ठीक है, ये दो तार लग गए, ये तो हमारा अलग हो गया पार्ट। फिर हमारा जो इसका तार बचा इस ट्रांसफार्मर के लिए एसी इनपुट में, तो वो आपको यहाँ से, ये देखिए ये गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर लगाया हुआ है यहाँ पर, जो कि आपके रिले से लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर लगाया रिले की, जो जो हमारी जो ऑलवेज क्लॉच क्लॉक सॉरी ऑन रहती है वहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, और जो इसका यहाँ से हमारा जो दूसरा तार निकला था ये वाला, ये डाटा आपका ट्रांसफार्मर पर गया था यहाँ से, तो यहीं से एक तार और निकला हुआ है ये वाला, तो ये आपका यहाँ पर लगेगा रिले की कॉमन पर, ये रिले की कॉमन पिन है। ठीक है, यहाँ पर तो इसके ये कनेक्शन है, और ये आपका बैर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये आपका एलईडी लगा हुआ है इस पर। इसके दोनों कनेक्शन यहाँ पर हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये और ये वाले। ठीक है, अब हमारे बच्चे ये दो हमारे ये वाले और ये वाला, ये दोनों हमारे ट्रांसफार्मर से यहाँ से आई हुए इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से ये वाले, ये देखिए ये वाले। ठीक है, ये दो अलग हो गए। फिर हमारे बच्चे ये वाले, ये हमारा बीच का, तो इसमें तार निकला हुआ है ये वाला, ये वाला, ये आपका यहाँ से इस
वॉल्यूम पर लगाना है इस पर, ठीक है। और ये लग गया आपका, और ये बचे हमारे दो तार, तो ये दो हमारे सप्लाई के हैं, यानी कि ये दो हमारे बचे, एक यहाँ से करंट के लिए आया इनपुट के लिए, और एक आपका इस ट्रांसफार्मर पर लगेगा। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से इसके सारे कनेक्शन थे। इस ट्रांसफार्मर को मैं बाहर निकाल के आपको ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर है। तो ये आपका बल्ब की तार, ये आपका बजर, ये आपका वॉल्यूम, यहाँ से आपका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं इसको, इस जो हमारा मशीन है इसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं यहाँ से, जो कि आपका यहाँ पर लगाया जाता है, और ये आपका यहाँ पर एलईडी लगाया जाता है यहाँ पर। तो इसके सारे कनेक्शन आप देख सकते हैं, अगर आपके पास मशीन है और कनेक्शन इसके टूट जाते हैं तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से काफ़ी सिंपल तरीके से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का बोर्ड है तो वैसे इसमें कुछ है नहीं मशीन में ज़्यादा, काफ़ी सिंपल तरीके से तार लगे हुए हैं। चलिए इसको मैं आप चला कर दिखाता हूँ आपको, इसके मैंने तार तो सारे लगा लिए पहले ही, ठीक है। देखिए इसके सारे तार ये चूहे को धर गए थे साले, ये देखिए, ये देखिए सारे तार उधर गए, ये भी देखिए। अभी मैंने इसके कनेक्शन वैसे लिया, इसमें टेप लगानी है मुझे अभी, ठीक है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। अब इसका प्लग है, तो ये इसका प्लग है देखिए, ठीक है। और ये इसका यहाँ से स्विच है, तो इसको स्विच हमें इसे प्लस से दबा लेंगे क्योंकि इसमें करंट भी आ सकता है, ठीक है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, तो इसे हम यहाँ से दबा देंगे। तो ये देखिए इसका स्विच है, ये दब गया, इससे ये अभी ऑन रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्विच है, यहाँ पर बोर्ड पर लगाते हैं इसके तार, पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसके कनेक्शन सही लगे हैं या नहीं सारे। तो इसके तार सारे हमने लगा दिए हैं, ये देखिए, चलिए इसको चालू करते हैं। ये देखिए चालू हो रही है, तो आपने देख लिया किस प्रकार से काम कर रही है अच्छी तरीके से। अब इसके हम सारे टेपिंग लगा के अच्छी तरीके से इसको बंद करके फिर आपको चला कर दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको वैसे ही चल रही है, उसे हम प्लास्टिक की जो पॉलीथिन है उसे सील करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसको लगा लिया है, फिट कर लिया है इसके सिस्टम पूरे, ये आप देख सकते हैं। इसके जो कनेक्शन थे हमने आपको बता दिए सारे, बस ये चालू है चेक करने के लिए। इस प्रकार से आपको ये बताइए चलाई जाती है, और ये आपका टेम्परेचर के लिए जो वॉल्यूम लगाता है, और ये आपका एलईडी जब इंडिकेट करता है जब ये चालू रहती मशीन। और ये पॉलीथिन है मेरे पास, इसको मैं आपको इसे सील करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लग लगा लेते हैं, ये देखिए ऑन अभी, और देखिए इस प्रकार से चालू हुई, चालू करके दिखाऊंगा आप, ठीक है। चलिए इसे अब पैक करते हैं, सीलिंग इस पन्नी को रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको ये देखिए ये हो गई, इसको इस प्रकार से करते हैं।